तो गाइस हमारी पुरानी वाली केटी मार्क 390 है ना, हम उसको पूरा प्रॉपर ऑफ रोड मशीन बनाने वाले हैं। ये देखो भाई किधर हाईवे पे ये क्या हो रहा है भाई, चेक करो, ये देख रहे हो सिस्टम पंप इसको बोलते हैं, ये देख रहे हो पंप ला रहे हैं। ओ गाइस गाड़ी देख रहे हो, गाइस गाड़ी देख रहे हो, ओ भाई कितनी लंबी गाड़ी है, कहाँ से आई। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने कार वॉश से, ये चक्रो यार अभी आए थे हम हल्को धुलाने सबसे पहले, तो फिर निकलना है गुमट वाली साइड, तो देखते हैं इसका काम वगैरह भी करवाना है, रैप वगैरह फिर से चेंज करवाना है। ये देखो अभी वॉश हो रही है भाई, इतनी मिट्टी हो गई थी ना जब से भाई ने दरवाज की राइड मारी हुई है तब से धुलाई नहीं थी ये अच्छे से, तो आज फाइनली इसको धुला रहे हैं अच्छे से। वो इसका रैप भी आगे वाला खराब हो गया, चैन लो वगैरह इसको कर लिया, ओके रिपोर्ट हो गया, चैन देखो कैसे चमक रही है, देख रहे हो भाई इतनी गंदी हो गई थी ना चेन वगैरह सारा, चेन लूप वगैरह सब की अच्छे से वॉश की, अभी डीजल वॉश करवाते हैं इसके नीचे से, तो फिर देखते हैं क्या सीन आता है आगे का। वॉश वगैरह हो गया और ये देखो कितने सब्सक्राइबर आ गए उन्होंने, सो फाइनली गए अभी आ गए हल्के ऊपर, ये चेक करो यार, तो साउंड देखो यार साउंड इतनी लाउड है ना इस बाइक की, तो यार इसका कुछ काम वगैरह करवाना था उस दिन पेंडिंग हो गया था, जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बोला था कि इसका रैप भी थोड़ा ठीक करवाने वाला हो गया। फाइनली गए हम पहुँच चुके हैं घूमट, ये चेक करो यार हल्क, तो इसके ये देखो क्रैश गार्ड ये फिर से लगवाने हैं अब न्यू, तो ये बोरे के एक दिन शायद रोकना पड़ेगा, देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी ये देखो रैप भी और इसकी तो बुरी हालत होगी, देखो टैंक काला जी, तो आपको पता है टैनर भी बुक हो चुकी है, उसको हम लाएंगे अब उसको भी तैयार करना है, ठीक है, उस पर यूनिक रैप करेंगे जो अभी तक हुआ ना हो, और कुछ ऐसी किट लगती है टैनर में भी, किट कुट लगती है ना, कार्बन फाइबर तो बेकार चीज़ है वो, तो फालतू की महंगी है मुझे पसंद ही नहीं है, महंगी है वही तो बाइक को थोड़ा एक्सपेंसिव, पहले 20 लाख की है वो, 20 के बाद 30 में ले जाएंगे। तो गाइस हमारी पुरानी वाली केटी मार्क 390 है ना, हम उसको पूरा प्रॉपर ऑफ रोड मशीन बनाने वाले हैं, ऑफ रोड बनाएंगे, ऑफ रोड व्हील के साथ ऑफ रोड टायर के साथ पूरा टोटली ऑफ रोड होगा। और क्या क्या डलने वाला उसमें, अरे काफी डलने वाला, पहले फिर भी ऐसे वो गाड़ी दिखेगी आप देखना कैसी बनेगी वो पूरा, मतलब एक होता है ना ऑफ रोड वाली जो बाइक होती है ना जो चलती सिर्फ ऑफ रोड पे है, मतलब कौन से टायर होते हैं ऑन रोड नहीं चल पाएगी, वो रोड पे नहीं चल सकती वो, बनानी ऑफ रोड के लिए 100%, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बाइक जो, हाँ ये नहीं है की कोई टायर आप डलवा लिए भाई ऑफ रोड करते हैं ऑन रोड भी करते हैं, वो फंडा नहीं है, टोटली स्नो के लिए काम आएंगे वो, ऑफ रोड में काम आएंगे, स्नो नहीं भी हो स्नो तो चली गई, अब तो नहीं हो रहा हूँ कि स्नो में काम आएगा या ऑफ रोड में आएगा, जो डर्ट में काम करेगी सही, सिर्फ डर्ट जैसे डर्ट बाइक्स होती है ना, और मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने KTM 390 को प्रॉपर कन्वर्ट करवाया है, पहली मेरी KTM 390 होगी जो प्रॉपरली ऑफ रोड मशीन में कन्वर्ट होगी, जो डर्ट ट्रैक पे घूमेगी डर्ट पे चलेगी मिट्टी में घुमाओ जैसे में चलाओ। टाइम कितना चाहिए वो बताओ, पूरा काम से हफ्ता चाहिए, हफ्ता हफ्ता तो दे सकते हैं हफ्ता, वैसे भी मेरी बाइक उधर ही लगी होती है, मैं तो एक ही बाइक चला सकता हूँ एक टाइम पे, तो है बेचने के लिए काम करने के लिए। तो गाइस जब हमारी KTM 390 रेडी हो जाएगी ना फिर से मीटअप रख लेंगे, ठीक है, कलर कौन सा रखना है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, थीम भी आप कमेंट करके बताओ, चलो गाइस कलर थीम भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस बार हम कलर थीम कौन से कलर ऐड ऑन होने चाहिए। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इधर एक फोटो डाल रहा हूँ, ठीक है, पुराने वाली KTM 390 का, ये भी बहुत ज्यादा सेक्सी लगती थी, पर फिर हम वो नहीं ना लगा सकते, जो क्या होता है उसको बॉडी किट नहीं लगा सकते ना, उसको ऑल्टर करेंगे, बॉडी किट तो टूट जाएगी, अच्छा और भी आती है क्या। तो गाइस इस बार बहुत खतरनाक वाली चीज तैयार करने वाले हैं, आप लोगों ने बस क्या करना है, आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ना आइडियाज देने हैं कि इस बार हम कलर थीम कौन सी रखें। तो चलो गाइस अभी यहां से निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी आपने देखा यार KTM की मॉडिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है, कल में भी 2-3 दिन तक मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी KTM 390 की, जिसका नाम है बिलो रानी। तो चलो यार अभी यहाँ से निकलते हैं, तो हल्को और लगा दिए अगर तो देखते हैं अभी कोई और बाइक लेके चलते हैं यहाँ से। तो पहुँच गए रोमी भाई की शॉप पे, दूसरी वाली जिधर बाइक से लगी हुई है, यहाँ से कोई लेके चलते हैं, देखते हैं कौन सी वाली बाइक लेके जाते हैं यहाँ से। तो ये वाली KTM चेक करो यार इसकी लुक, इस साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको यार, ये देखो, तो अभी इसको निकालते हैं बाहर, तो ये देखो इसके टायर भी फ्रंट वाला ख़त्म है, और नई वाली KTM 390 भी, हार्ले डेविडसन भी है, और भी बहुत सारी, इन सब में से मुझे ये वाली बाइक पसंद आ रही है, तो हम सोच रहे इसको चेकआउट करवाते हैं, ठीक है, तो निकालते हैं बाहर भाई, तो तेल का
बर्बाद हो गया। तेल ही नहीं है, ये लो। ओहो भाई, होगा होगा, तेल है यार। गाइस इसमें तेल, ये हायो संग चल रही है तो ध्यान दे इसको भाई, कंधे उठा के लाएगा। एटीएम कैंसिल हो गई क्योंकि इसमें तेल नहीं है, तो अभी निकालते देखते दूसरी वाली कौन सी लेने वाली हम भाई ने, और देखते शायद इसको निकालते हैं तो करते हैं इसको भी स्टार्ट, तो देखते क्या सीन करते हैं। तो गाइस अब इसकी साउंड सुनना है, देखो सुपर लो ले रहा हूँ, सुपर लो। क्या प्रॉब्लम है? बंद हो जाती है बार बार यार। अच्छा फिर काला वाला हार ले ले जा रहा हूँ स्पीड बॉक्स। क्या यार स्पीड फाइटर यार, लाल क्यों लू काला ले रहा हूँ। देख लो यार, स्टार्ट करके देख लो यार, बंद है वो यार। मुझे बार बार ये लाल परी क्यों दे देते हो? नहीं लेनी यार, कोई और दो अच्छी सी बाइक यार। तो गाइस ये भी कैंसिल हो गया, स्कैम हो गया गाइस। इसलिए गाइस बहुत देर के बाद फाइनली एक साइड हुई है, ये वाली रेड परी, इसका नाम मैंने डाल दिया रेड परी। ये देख रहे हो साउंड चेक करो, इसकी भी साउंड बहुत ज्यादा लाउड है, देख रहे हो। तो अभी अलियान भाई करने वाले राइड, तो मैं बैठने वाला पीछे, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि राइट गाइस। तो अभी पहुंच गए थे हम जे टाउन, तो यार इसमें अभी इसकी साउंड सुनाते हैं भाई, करना ऑन। ये देखो, ये देख रहे हो, वाह भाई वाह, देखो गाइस सिस्टम देख रहे हो भाई। बाकी यार मैंने अपनी स्कूटी पे भी लिखवाया है अपना नाम, ये देखो माई यूट्यूब का लोगो, देखो यार 46 भी लिखवाया है, और ये देखो यूट्यूब का नेम भी आगे फ्रंट में भी लिखवाया हुआ है, और हाथ में क्या दिखा रहा हूँ गाइस। गाइस ये चेक करो, बाकी ये लुक भाई साइड हो जाओ, तो ये चेक करो यार। हाँ जी क्या भैया, ओ गाइस गाड़ी देख रहे हो, ओ भाई कितनी लंबी गाड़ी है, कहां से आई भाई, क्या कोई क्या चीज दिख रही है भाई इधर। गाइस अभी भाई बैठे हुए हैं इस बाइक पे। हाँ जी मुझे बताओ इस बाइक में आपकी आपकी राय क्या है इस बाइक के बारे में भाई। ये है स्पीड 750, ठीक है। सबसे पहले इनको मैं लुक दिखाता हूँ, ये देखो यार, ये देखो फिर से चेक करो यार, 200 होती है 4.7 सेकंड्स में, ठीक है। वाह भाई जाती है पूरी 180 जितनी है, जितना स्पीडोमीटर है ना उतनी पूरी एंड तक जाती है ये, ठीक है। वाह देख रहे हो गाइस, सुन रहे हो आप यार, मुझे लग नहीं रहा है इतनी भागती होगी, देख रहे हो फ्रंट लुक देख रहे हो भाई इसकी। और बाकी 47 bhp की इसमें पावर आती है, ठीक है। तो वेट इसका नियर अबाउट 230 किलो का है, नियर अबाउट 230 इसका पूरा मतलब वेट है जो होता है, ठीक है। देख रहे हो भाई चलानी कैसे, मैं ये बताता हूँ चलाते कैसे इसको। भाई, भाई चलाने में बहुत कंफर्टेबल है ये भाई, मतलब बट है नहीं, अगर लीन वगैरह में हमने लीन नहीं बचता भाई, लीन ही ना बचता, बट उस हिसाब का ही बचता जैसे बाकी बाइक्स पे बचता है भाई, सुपर बाइक की बात है। वही वही मैं बोल रहा हूँ, अगर बंदा स्टैंड जब लगता है पूरी नीचे लेटती है भाई, देख रहे हो भाई अगर यहाँ से इस इसके ऊपर से बंदा गिरेगा लगेगी उसको भाई, लगेगी तो सही भाई, बहुत गंदी नॉन एबीएस है सारी यार, है ना नॉन एबीएस है। इस पे स्टार्ट करो यार, जरा स्टार्ट करके दिखाते हैं फिर से आपको, ये देखो भाई, देखो एक तो इसमें प्रॉब्लम है आपको पता ही है, कल स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, तो गाइस पहले स्टार्ट भी नहीं हो रही थी आपको पता ही है, बड़ी मुश्किल से हमने स्टार्ट की, ये देख रहे हो वही वाला सीन हो गया गाइस, ये देख रहे हो स्टार्ट नहीं होने लगी, हो गई ये चक्कर यार, साउंड देख रहे हो। चलो यार आज का व्लॉग मैं सोच रहा हूँ इधर ही एंड करते हैं, तो और कुछ कहना है आपको सर? भाई लाइक शेयर और कमेंट कर दो। हाँ जी लाइक शेयर और कमेंट कर दो भाई को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्या नाम है चैनल का? मेहरान व्लॉग। मेहरान व्लॉग। तो गाइस भाई को जाके सब्सक्राइब कर दो, इस व्लॉग को कर दो, ये देख रहे हो भाई, ये देखो, ये देखो भाई किधर हाईवे पे ये क्या हो रहा है गाइस, चेक करो ये देख रहे हो सिस्टम पंप इसको बोलते हैं, ये देख रहे हो पंप ला रहे हैं अभी, वाह भाई ये चेक करो कितने हुए 21 भाई आज 21 ही मारे।
तो चलो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं इधर एंड, मिलते हैं आपको ऐसे मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय, पीस आउट।